नमस्कार गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला इसमें एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन है हम इस श्रृंखला में आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य उसके प्रदे इस पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम साहित्य को लेकर भाषा को लेकर और साहित्य एवं भाषा संबंधी जो नीतियाँ हैं जो जागरण के प्रयत्न हैं जन सामान्य को जोड़ने की जो प्रविधियां हैं उन सबको ध्यान में रखकर चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन जागरण एवं हिंदी इस विषय पर हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है राजभाषा के रूप में भी केंद्र सरकार के समस्त कार्यों के निष्पादन की भाषा उसे माना गया है पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा भी है जिसको हम लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहते हैं रोजगार के क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अद्यतन अधुनातन वैश्विक जानकारियों को संचरित करने संप्रेषित करने के क्षेत्र में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी मनोरंजन की भाषा भी है हिंदी शिक्षा और उच्च शिक्षा की भाषा भी अब धीरे धीरे बन रही है तो जब हम स्वतंत्र नहीं थे हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे उस पहले मुग़ल शासन में हमारे समस्त राष्ट्रीय राज राज्य स्तरीय शासन प्रशासन ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा के कार्यों का निष्पादन यथा राजा तथा प्रजा की नीति पर फारसी में मुग़ल शासन में होता था जिसकी सहायक भाषाओं के रूप में अरबी तुर्की आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी मुग़ल काल जैसे जैसे समाप्त होता गया अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी हम पर काबिज़ होती चली गई परिणामत शिक्षा दीक्षा में ज्ञान विज्ञान में संवाद में संपर्क में अंग्रेजी का बोलबाला होता चला गया ऐसी परिस्थितियों को जब भारतीय राजनीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन होता है वो उसे समझ रहे थे गांधी जी एक विचारक एक चिंतक एक समाज सुधारक एक राजनेता एक बहुत ही पढ़े लिखे सुशिक्षित और सुविचारित साहित्य का प्रदेय करने वाले ऐसे प्रणेता थे राष्ट्र नेता थे नेतृत्व दे रहे थे देश को उन्होंने देखा कि जन जागरण आज़ादी के लिए स्वाधीनता के लिए यदि प्रारंभ करना है तो उसे जनभाषा से जोड़ना होगा स्वयं गांधी जी गुजराती भाषी थे उनकी मातृभाषा गुजराती थी लेकिन अंग्रेजी हिंदी और अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था उनको ज्ञान था उनका समाज मनोविज्ञान बहुत प्रखर था इसलिए उन्होंने जन जागरण के लिए एक सशक्त भाषा के रूप में हिंदी को चुना था तो हिंदी कैसे आजादी से पहले प्रचार प्रसार की दृष्टि से गांधी जी के मुख्य एजेंडा में उनके मुख्य मुद्दों में शामिल हुई इसीलिए गांधी जी ने देश के कोने कोने में हिंदी सेवी संस्थाओं की स्थापना की उनके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की नीतियाँ बनाने के मार्ग प्रशस्त किए उन महात्मा गांधी ने अगर हिंदी के लिए इस तरह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यह परियोजना कार्य लागू न किया होता तो हमारे लिए एक बड़ा संकट आज़ादी के बाद खड़ा होता हालांकि स्वतंत्रता के बाद ये प्रश्न बाकायदा एक विचार और विमर्श का मुद्दा बना कि किस भाषा में देश को चलाया जाए क्योंकि तब तक हमारे पास कामकाज की हमारे प्रशासनिक वैज्ञानिक तकनीकी इन तमाम प्रासंगिक अनुशासनों और क्षेत्रों की कोई भाषा भारतीय भाषा नहीं थी हिंदी भी नहीं थी उस समय इस रूप में हिंदी साहित्य की भाषा रही कविता की भाषा रही गद्य विधाओं की भाषा रही लेकिन शासकों ने मुगल शासक और अंग्रेज शासक उन्होंने हिंदी को कामकाजी भाषा या ज्ञान विज्ञान की शासन प्रशासन की भाषा नहीं बनने दिया न्याय भी अंग्रेजी में और चिकित्सा भी अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा भी अंग्रेजी में और उच्च शिक्षा भी अंग्रेजी में एक ऐसी मानसिकता उन्होंने बनाई मैकाले की जो नीति थी उसमें मूलतः भारतीय भाषा को हाशिए पर डालना या उसकी शिक्षा को हतोत्साहित करना यह उनका एक मुख्य मुद्दा था क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है और भारतीय संस्कृति से पूरा विश्व सदा से इस रूप में आक्रांत रहा कि इस संस्कृति में इस देश की वैचारिकता में कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं है इसलिए महात्मा गांधी जब आए हमारी भारतीय राजनीति में तो एक नए युग का सूत्रपात उनके आगमन से हुआ वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी एक महान व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व के रूप में भारतीय समाज में अवतरित होते हैं विश्व साहित्य रूपी पुस्तक का एक ऐसा अध्याय महात्मा गांधी हैं जिसके बिना ये वैश्विक पुस्तक अधूरी प्रतीत होती है अपूर्ण प्रतीत होती है अंत्यकरण से शुद्ध पावन और तत्व ज्ञान से युक्त ये तीनों विशेषताएं गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती हैं अंत्यकरण से पूर्णतः शुद्ध एकदम निष्पाप पवित्र पावन और तत्व ज्ञान से युक्त एक विलक्षण एक अनूठा व्यक्तित्व गांधी जी का हमारे सामने आता है व्यावहार में वो महात्मा थे और कामनाओं की निवृत्ति के कारण वो महात्मा से भी ऊपर परम तत्व की देवता आत्मा के रूप में हमारे सामने आते हैं वैराग्य एवं तपस्या की ज्वलंत उसकी जीती जागती अगर कोई मूर्त थी तो वो गांधी जी थे इसलिए गांधी जी के प्रदेह को गांधी जी की साधना को गांधी जी की राष्ट्र भक्ति को हम तुलना में अगर देखें तो कोई दूसरा व्यक्तित्व उनके सामने इस तरह का दिखाई नहीं देता भारतीय ज्ञान विज्ञान भारतीय राजनीति भारतीय समाज नीति मूल्य आदर्श व्यवहार संस्कृति शिक्षा ज्ञान सरणी दर्शन इतिहास ये तमाम अनुशासन ये तमाम क्षेत्र सभी में हम देखें गांधी जी के जीवन ने उनके व्यक्तित्व ने उनके रचना संसार ने उनकी चिंतन शैली ने न केवल भारत को भारतवासियों को अपितु पूरे विश्व को प्रभावित किया है हम सब उनके इस विलक्षण और अनूठे प्रदेश से उनके स्वतंत्र चेतना का संचार करने वाली नीति से पूरी तरह उपकृत अपने को महसूस करते हैं संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण जन जन में उन्होंने संचरित किया एक संकल्प का मंत्र उन्होंने फूंक दिया और इस जागरण मंत्र में उन्होंने राष्ट्र उन्हें जागरण मंत्र ने उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया विधर्म राजनीति और जन जागरण इनकी एक अद्भुत त्रिवेणी के रूप में हमारे सामने आते हैं सत्याचरण सत्य के प्रति उनका आग्रह सत्य की परख वो निरंतर करते चलते हैं अहिंसा ये सब उनके आभूषण थे उनके संस्कार थे उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंबन या उद्घाटन करने वाले मूलभूत वैचारिक बिंदु थे अनेक प्रकार के जनहित राष्ट्रहित इससे जुड़े हुए आंदोलनों के भी वो सूत्रधार थे बहुत से देश में जो कुष्ठ रोगियों के संस्थान थे वहाँ उन जाकर उनकी सेवा करना वह उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था असहाय की गरीब की रोगी की सेवा कुष्ठ रोगियों की सेवा जिनके पास जाने से लोग भयभीत होते हैं गांधी जी ने उनको अपना मुख्य लक्ष्य बनाया और आज़ादी की लड़ाई स्वातंत्र चेतना स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई इसको उन्होंने पीछे जाने नहीं दिया वो सही मार्ग से सही लक्ष्य या गंतव्य तक जाना चाहते थे उसकी प्राप्ति उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे उस उसके लिए उन्होंने एकदम सादा जीवन जीवन यापन इसको चुना खाने में एक अनुशासन उठने बैठने में वस्त्र में इनमें सब में एक अलग तरह का अनुशासन उन्होंने पैदा किया और वो इस तरह का उदाहरण बने मील का पत्थर बनकर उन्होंने देशवासियों को न जाने कितने आयामों में कितने रूपों में प्रेरित किया लोग उनके उस सादा जीवन और आचरण का अनुसरण करने के लिए स्वतः प्रस्तुत हुए विचारों की दृष्टि से उनकी वैचारिकता बहुत ही लोकोत्तर धरातल की वैचारिकता दिखाई देती है वो स्थित प्रज्ञ गांधी जी थे उन्होंने गीता को अपनी माँ का दर्जा दिया वो उसे अपनी माता मानते थे ईश्वर के प्रति उनकी पूरी आस्था और समस्त धर्माम धर्मावलंबियों की के प्रति उनका उनके मन में सम्मान था उनके मन में एक समादृत भाव था छुआछूत उन्हें सामाजिक रोग दिखाई देता था इसलिए उन्होंने छुआछूत को नष्ट करने के लिए उसे समाप्त करने के लिए पूरे देश को इस रोग से मुक्त कराने के लिए उसमें अविश्वास का भाव पैदा किया छुआछूत में और उन्होंने कहा कि सम भाव सम धरातल मनुष्य कोई छोटा बड़ा नहीं है जाति से धर्म से आचरण से व्यवहार से कार्य से कोई छोटा बड़ा नहीं है ईश्वर के यहाँ से जब मनुष्य का इस पृथ्वी पर अवतरण होता है जन्म होता है तो वह उसी एक ही दृष्टि से ईश्वर के यहाँ से आता है लेकिन हम उसे यहाँ आकर जातियों में धर्मों में विभक्त कर देते हैं इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करते हुए सबको ईश्वर के द्वारा निर्मित मानव के रूप में देखा पशु बलि का उन्होंने मुखर होकर विरोध किया तमाम तरह की ऐसी घटनाएं पूरे देश में दिखाई देती थीं जहां पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी पशुओं के मानसादी का भक्षण होता था तो वो इसके घोर विरोधी थे मनसा वाचा कर्मणा मन से वचन से और कर्म से एक भाव अहिंसा की पूजा यानी व्यवहार में आचरण में कोई भेद ना हो कथनी और करनी का अंतर ना हो इसका उन्होंने पुरजोर समर्थन किया और अहिंसा की पूजा इस पर भी उन्होंने बल दिया उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता इसलिए वो क्रोध त्यागने की बात भी करते हैं वो कहते हैं क्रोध से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है इसलिए हिंसा जीवन का कोई समाधान नहीं कर सकती तो अहिंसा की पूजा प्रार्थना युक्त जीवन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया हमें मन, हम मनुष्यों को बनाया हमारे लालन पालन की व्यवस्था की हमें सुशिक्षित और सभ्य बनाया ऐसे भगवान को याद करना उसके प्रति आभार व्यक्त करना सुबह शाम उसकी स्मृति में प्रार्थना करना उसके सामने नतमस्तक होकर कृतज्ञता ज्ञापित करना इसके प्रति उनका एक अटूट विश्वास था से मुक्त जीवन इसी को उन्होंने विशेष जीवन माना इसलिए गांधी जी को एक लौकिक पुरुष नहीं एक विश्व पुरुष के रूप में एक महान और दिव्य चरित्र के रूप में देखा जाता है ऐसी अनंत असीम गुणों और मूल्यों की खान थे महात्मा गांधी जिन पर लिखना बोलना या बात करना सरल प्रतीत होता है लेकिन उन्हें जीना उनके आचरण का अनुसरण करना यह वास्तव में कठिन प्रतीत होता है क्योंकि वो साधक थे उन्होंने साधना जीवी जीवन यापन नहीं किया अपितु साधन जीवी जीवन यापन किया इसलिए साधना जीवी जीवन यापन किया साधन जीवी उन्होंने नहीं बनना चाहा उनके युग में और आज के युग में ये अंतर आया नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो साधन जीवी बनना चाहते हैं गांधी जी का ये बल था कि हमें साधना से ही समस्त लक्ष्यों को हासिल करना है इसलिए ए, संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट या वैज्ञानिक उनको देखें आइंस्टीन ने तो गांधी जी के बारे में ए, ये बड़ा स्पष्ट चित्र अंकित करते हुए उनके दर्शन उनकी नीतियों का की खुले मन से मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी और जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने कक्ष में गांधी जी का चित्र लगाया हुआ है इसका प्रयोजन क्या है तो उन्होंने कहा आगे जो आने वाली पीढ़ी है कभी यह विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मास का यह दुबला पतला महान व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर पैदा भी हुआ था इसलिए वो उनके चित्र को अपने कक्ष में लगाकर उनके जीवन मूल्यों को उनके दर्शन को उनके आचरण को सदा सदा सर्वदा याद रखना चाहते थे गांधी जी निर्भय जीवन यापन करते थे उन्हें अंग्रेज सत्ता का जिससे जो हम पर शासक थे जिससे बड़े बड़े राजनेता थर थर कांपते थे गांधी जी उनसे निर्भय होकर अपनी बात बेबाकी से कहते थे और जो और उनका सैद्धांतिक एक कदम होता था उससे वो टस से मस होना नहीं चाहते थे उन्होंने अनेक मुद्दों पर समझौता करने से इनकार भी किया निर्वेद तथा निष्पक्ष विचारक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं वे सत्य को ही श्री एवं ज्योति मानते थे गांधी जी का सत्याग्रह सत्य के प्रति उनकी अटूट आस्था वो बात बात पर इस बात को दोहराते थे के सत्य ही ईश्वर के निकट ले जाता है इसलिए उन्होंने भूमि सत्य से ही प्रतिष्ठित की अपनी जो आधारशिला आधार सत्य पर ही आधारित किया सत्य ही परम धर्म समझकर उसे अपने जीवन का अपनी जीवन की सफलता का एक सूत्र बनाया वे सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते थे उसे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे वे सत्य में ही लोक की प्रतिष्ठा स्वीकार करते थे सत्य को ही जन जागरण का मूल मंत्र भी मानते थे और जन सामान्य को उससे अवगत कराना चाहते थे। उनकी दृष्टि में सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं था उनकी दृष्टि में अहिंसा मानव धर्म बनकर समाहित थी और वह सत्य में ही प्रतिष्ठित होती दिखाई देती थी महाभारत के शांति पर्व में महर्षि वेदव्यास ने सत्य और सतपुरुष इनकी महिमा का उल्लेख करते हुए बहुत गंभीरता से यह कहा भी है कि सत्यम धर्मस्तपो योग सत्यम ब्रह्म सनातनम सत्यम यज्ञ पर प्रोक्त सर्व सत्य प्रतिष्ठितम यानी सत्य ही धर्म है सत्य ही तप है और सत्य ही योग है सत्य ही सनातन मूल्य है चिरंतन मूल्य है और सत्य ही परम यज्ञ है और पृथ्वी एवं संसार का सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है इसीलिए यह कहा भी गया कि सत्यम सत्सुम सदा धर्म सत्यम धर्म सनातन शांति पर्व में इस बात का उल्लेख भी मिलता है सत्यमेव नमस्त नमस्वेत सत्यम ही परमह गति सत्पुरुषों द्वारा सदैव सत्पुरुष धर्म मार्ग का ही पालन किया जाता और करवाया जाता है सत्य ही सनातन धर्म है सत्य को ही नमस्कार करना चाहिए और सत्य ही जीव की परम गति का प्रेरक तत्व है इसलिए सत्याग्रह की पचहत्तरवीं अस्सीवीं वर्षगांठ पर जब हम इस मुद्द, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी ने जो कुछ हमें दिया हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं राष्ट्र पूरी तरह से श्रद्धावनत है मानवता नतमस्तक होकर उनको नमन करती है और उनके प्रदय के सामने अपने को उपकृत महसूस करती है सत्य को सर्वोत्तम व्रत मानते हुए विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति को समर्पण कर देने के लिए बाध्य करने की ताकत अगर किसी में है तो गांधी जी का कहना है कि वह सत्य में है इसलिए तीन नवंबर 1917 को गोध्रा में दिए गए अपने भाषण में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि शस्त्रधारी निशस्त्र होकर दीन बन जाता है परंतु सत्याग्रही कभी दीन बनता ही नहीं वह नश्वर शरीर या शरीर के शास्त्रों पर भरोसा नहीं रखेगा वह तो अज्ञे अजय अमर अविनाशी और आत्मा के बल पर युद्ध करने वाला व्यक्ति बनकर उभरेगा गांधी जी ने सत्याग्रह की वह लड़ाई दो स्तरों पर लड़ी वह मनुष्य और मानवता पर मानव के अधिकारों पर हो रहे जुल्मों अत्याचारों के विरुद्ध तो दूसरी तरफ अपनी अर्थात मनुष्यगत दुर्बलताओं के विरुद्ध गांधी जी ने सफलतापूर्वक ये दोनों लड़ाइया लड़ी और उनमें विजयश्री हासिल की उनकी दृष्टि में सत्याग्रह तत्वतः राजनीतिक अर्थात राष्ट्रीय जीवन में सत्य और विनय को प्रविष्ट कराने का एक मार्ग है एक सत प्रयास है प्रयास वे जीवन पर्यंत करते रहे और इसी प्रयास ने जन भाषा हिंदी के माध्यम से विश्व के जन जन में जागरण मंत्र का मंत्र का संचरण किया गांधी जी के इस सत्य आग्रह को विश्व के विचारकों चिंतकों दार्शनिकों समाज सुधारकों साहित्यकारों भाषाविदों और राजनेताओं ने शीश नवाकर स्वीकार किया उसका अभिनंदन किया रविन्द्र ठाकुर शरद चंद्र महर्षि अरविंद तिरुवल्लुअर संत तुकाराम और ऐसे अन्य बहुत सारे संत कवि विनोबा भावे स्वामी विवेकानंद अरस्तु कीट्स बायरन जॉर्ज जॉर्ज बर्नाड शाह स्वामी रामतीर्थ और रामतीर्थ हजारी प्रसाद द्विवेदी मैथिलीशरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सियाराम शरण गुप्त महा रचनाकार महाकथाकार प्रेमचंद भवानी प्रसाद मिश्र नागार्जुन मदन मोहन मालवीय ऐसे न जाने कितने नाम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में हैं जो अपने साहित्य और विचारों से बार बार सत्य की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आग्रह करते हैं गांधी दर्शन को अपनी कविता और गद्य रचनाओं में उतारने का रचनात्मक प्रयास भी करते हैं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस सत्य के विषय में लिखा भी है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है उसकी ज्योज ज्यो सेवा की जाती है त्यों त्यों हम गहरे हम में वो बैठता जाता है उसमें से रत्न निकलते हैं सेवा के अवसर हाथ के आगे आते जाते हैं गांधी जी ने भारत की समस्त जनता को समुदायों को धर्मों और जातियों को अपने और राष्ट्र के अधिकारों के प्रति कर्तव्यों और कर्मों के प्रति दायित्व बोध के प्रति आचरण और व्यवहार के प्रति मूल्यों और भावनाओं के प्रति सदा सर्वदा जागृत किया उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया सन्मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरणा दी सत्याग्रह की शांति को समझने और आत्मसात करने का संकल्प भी प्रदान किया गांधी जी की सत्याग्रह विषय अवधारणा विलक्षण और निराली थी वो कहते थे प्रतिपक्षी का बुरा चाहना या उसे हानि पहुंचाने के इरादे से उससे या उसके बारे में बुरा बोलना असत्य बोलना सत्याग्रह का उल्लंघन होगा इसलिए सत्याग्रही एक सौम्य व्यक्ति होता है सत्याग्रह एक वस्तु है वह कभी चोट नहीं पहुंचाता, सत्याग्रही और उसके पीछे क्रोध या द्वेष यह कभी प्रकट नहीं होता उसमें शोरगुल प्रदर्शन या उतावलापन यह नहीं होता वह जबरदस्ती बिल्कुल उल्टी चीज उसके प्रतीत होता है उसकी कल्पना हिंसा से उल्टी परंतु हिंसा के स्थान पर पूरी तरह शांति का की स्थापना करने वाला ऐसे बिंदु के रूप में वो उजागर होती है गांधी जी ने पूरे भारत का और पूरे विश्व के अनेक देशों का भ्रमण अनेक बार किया था विश्वभर में मानवता के मर्म को उन्होंने देखा समझा और उसकी प्रतिष्ठा की अपने सुदीर्घ जीवन अनुभव के आधार पर वो उसकी व्याख्या भी करते चलते हैं इस तरह हम देख सकते हैं कि गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो वास्तव में विलक्षण था उन्होंने अपने स्वप्न के स्वप्नों के भारत की एक परिकल्पना की थी एक अद्भुत परिकल्पना उनके स्वप्निल भारत की उनके मनोमस्तिष्क में थी वे जन जन को प्रत्येक भारतवासी को स्वराज्य का अर्थ समझाना चाहते थे वो आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे राष्ट्रवाद का सच्चा स्वरूप गांधी जी ने अपने चिंतन से स्पष्ट किया था भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए गांधी जी ने जन जन का आह्वान किया समाजवाद और साम्यवाद के रहस्य को भारतीय जनता तक पहुंचाया और उन्होंने उद्योगों के अभिशाप से भी परिचय करवाया और वैज्ञानिक विकास की महिमा से भी अवगत कराया शारीरिक श्रम की महिमा को वो बार बार प्रतिपादित करते रहे सर्वोदय का स्वप्न भी गांधी जी ने ही दिया और अहिंसा समानता ग्रामोत्थान पंचायती राज हथ करगे और चरखे की महत्ता स्वदेशी की शक्ति गोरक्षा की महिमा सहकारिता ग्राम सेवा सुधार समाज सुधार युवा शक्ति का सदुपयोग आरोग्य राष्ट्र की परिकल्पना और नशाबंदी सांस्कृतिक विरासत धरोहर इन सब के प्रति स्वाभिमान का भाव बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूकता उच्च शिक्षा के प्रति समर्पण राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रति एक रचनात्मक दृष्टि प्रांतीय भाषाओं की महत्ता को पहचानने का खुला आमंत्रण और दक्षिण प्रदेश में हिंदी के प्रचार की आवश्यकता को समझते हुए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना युवाओं और विद्यार्थियों का अनुशासन स्त्रियों का पुनरुत्थान नारी शिक्षा ऐसे न जाने कितने मुद्दे गांधी जी के एजेंडा में थे और इन सब को लेकर वो देश के लिए अपने को समर्पित करते हुए अपने को अर्पित करते हुए न जाने कितने आंदोलनों के प्रणेता बनकर हमारे सामने आए उसमें हिंदी आंदोलन भी उनके एजेंडा का उनके मुख्य बिंदुओं का एक हिस्सा रहा है मित्रों इस बात को अभी यहाँ विराम देते हुए पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार